नमस्कार दोस्तों, आज हम बटर बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल अमूल बटर जैसा। तो बटर बनाने के लिए हम दिखाते हैं आपको, इसका यूज करेंगे। बटर तो आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, मिक्सी में भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं मत करके, चम्मच की सहायता से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम ये तरीका यूज करेंगे। इसका यूज करके हम बटर बनाएंगे। बटर बनाना जो है हम अपनी दादी से सीखे हैं, वो बटर घी वगैरह वो बनाती थी। गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते थे तो उनके हाथों का खाने के लिए मतलब मिलता था बटर घी, वो तरीका हम आज यूज करेंगे। तो चलिए बटर बनाना शुरू करते हैं। इस बर्तन में बनाएंगे क्योंकि इसमें ये डंटी है तो पकड़ने में आसान रहेगा, तो इसमें हम बटर बनाएंगे। तो इसे हम निकालेंगे। मलाई जो है काफी ठंडा है क्योंकि हम कुछ देर पहले ही इसे फ्रिज से निकाले हैं। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें हम, ताकि मथने में जो है आराम हो। ये ठंडा पानी है फ्रेंड्स, ठंडे पानी का ही हम यूज करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हुआ है, ठंडा पानी डालेंगे। यहाँ फ्रिज का ठंडा पानी ले रहे हैं। ठंडे पानी से डालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बटर जो है बहुत ही अच्छे से अलग हो चुका है, तो इसे हम निकालेंगे। देखिए उतने जो मलाई था हमारे पास उससे जो है इतना बटर निकला है। तो ये आपके दूध के ऊपर डिपेंड करता है, आप गाय का अगर दूध लीजिएगा तो थोड़ा कम निकलेगा, और अगर भैंस का लीजिएगा तो वो उसमें भैंस के दूध में ज़्यादा बटर घी निकलता है। तो ये दूध के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा दूध लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो गाय का दूध था, पानी से ठंडे पानी से ही इसे हम धोएंगे। और हाँ एक बात और बताना चाहेंगे, ये जो हमारे पास बचा है गाय वाला जो दूध निकला है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम कढ़ी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, या फिर इसमें आप काला नमक भुना जीरा वगैरह डाल करके बहुत ही टेस्टी छाछ बना सकते हैं। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम यूज करेंगे दूसरे काम में। तो अभी इस दूध को फेंके ना, यूज कर ले, बहुत ही से विटामिन होते हैं इसमें। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इसे हम ठंडे पानी डाल करके इसको हम धोएंगे। दो तीन पानी से हम धोएंगे बटर को। क्योंकि हम अमूल बटर बनाने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक चुटकी हल्दी डालेंगे। आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं लेकिन हम हल्दी डालेंगे। इससे बटर के टेस्ट में कोई भी किसी भी तरह का मतलब चेंज नहीं आएगा। तो इसमें हम हल्दी और नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस आप पहले भी कर सकते थे, जैसे मथने से पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम इसका पनीर या फिर कुछ और बनाएंगे ये मलाई वाले दूध का, इसलिए हम पहले नहीं डाले थे, बाद में डाल रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मिक्स हो गया है तीनों चीज़ें। अब इसे हम इस तरह के
आप डब्बे में या फिर इस तरह के बॉक्स में मतलब बटर पेपर लगा करके आप इसमें सेट कर सकते हैं। हम इसमें सेट करने जा रहे हैं। तो इसका हम ढक्कन लगा करके फ्रिज में या फिर फ्रीजर में हम रखेंगे, क्योंकि हम दिखाना है आप लोगों को, तो हम इसे फ्रीजर में रखेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारा जो है बटर तैयार हो, सेट हो। सेट करते हैं। दोनों को हम फ्रीजर में रखते हैं, तब तक मिलते हैं कुछ देर के बाद आपसे। हमारा बटर सेट हो चुका है, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं हमारा बटर जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब जो हम बटर पेपर लगाए हुए थे उसे हम निकालेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा बना है। इसमें जो निकाले थे इसे भी हम निकालते हैं। आपको हम काट करके भी दिखा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।